नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा चौकसी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। कंजक्टिवाइटिस मतलब कि आंखें आ जाना, आंखें का इन्फेक्शन जिसमें आंखें बहुत लाल हो जाती है, उसमें खुजली होती है, जलन होती है, कॉन्स्टेंट पानी निकलता रहता है, कभी कभी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ जुकाम भी हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जिससे लेने से आपको एक या दो दिन में ही कंजक्टिवाइटिस में पूरा आराम आ जाएगा। सबसे पहली मेडिसिन है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया होम्योपैथिक में एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस के लिए। 80-90% पेशेंट्स को तो यूफ्रेशिया से एक या दो दिन में ही कम्प्लीटली आराम आ जाता है। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ जुकाम भी हुआ है और जुकाम की वजह से आपको नाक में बहुत ज़्यादा खुजली जलन हो रही है, नाक पूरा लाल हो गया है, आँख में इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो आपको दवाई लेनी है एलियम सीता। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। अगर रेडनेस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि आईज बहुत ज़्यादा रेड है, साथ में पूरा चेहरा भी लाल हो जाता है और रेडनेस के साथ साथ सीवियर हेडेक है और आईज में भी बहुत ही ज़्यादा पेन है, तो आपको दवाई लेनी है बेलाडोना। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला में ठीक येलोइश डिस्चार्ज होता है। पेशेंट जो होता है वो बहुत ही माइल्ड स्वभाव का होता है, उसे खुली हवा में अच्छा लगता है, उसे ठंडे पानी से आंखें धोने से अच्छा लगता है और पेशेंट बार बार पे रोने लगता है। छोटा बच्चा है तो वो अपनी मम्मा को छोड़ता ही नहीं है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो पल्सेटिला से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में बहुत ही थिक और पुरुलन डिस्चार्ज होता है। पुरुलन मतलब कि बस जैसा डिस्चार्ज होता है और इतना ज़्यादा प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है, आंखें भी सूज जाती है और सुबह में तो आंखें पूरी चिपक जाती है। अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगने के कारण कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो आपको दवा लेनी है एकोनाइट। लेकिन याद रखिए, एकोनाइट हमेशा फर्स्ट स्टेज में ही लेनी है, मतलब कि आपको जैसे कंजक्टिवाइटिस की शुरुआत के अगर 2-3 घंटे में ही आप एकोनाइट ले लेते हो तो आपको कंजक्टिवाइटिस आपको बढ़ेगा नहीं और वो फटाफट मिट जाएगा। लेकिन 2-3 दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद में एकोनाइट नहीं लेनी है। कोई जो भी मेडिसिन आप लेना चाहे वो मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। 200 पोटेंसी में दिन में 2 या 3 बार लेने से आपको 1 या 2 दिन में आपको कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स आपको दिया करूँगी जिससे कि आप ऐसी बीमारी का इलाज घर पर ही अपने आप कर पाए। थैंक यू।